आईसीसी ने हफ्ते भर चले सरकारी हस्तक्षेप के घटनाक्रम के कारण शुक्रवार को अपने पूर्ण सदस्य श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। श्रीलंका की सांसद ने गुरुवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसमें देश की क्रिकेट संस्थान को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने पूरा समर्थन किया था। इससे देश में क्रिकेट की संचालन संस्थान में संकट और गहरा गया। मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता साजिद प्रेमदासा ने गुरुवार को संसद में भ्रष्ट श्रीलंका क्रिकेट प्रबंधन को हटाने के शीर्षक का प्रस्ताव पेश किया, जिसका सरकार के मंत्री निर्मल सिरीपाला डिसिल्वा ने पूरा समर्थन दिया। आईसीसी ने बयान जारी कर श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड करने की घोषणा की। इस बयान में कहा गया, आईसीसी बोर्ड की बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि श्रीलंका क्रिकेट विशेष रूप के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। इसके मामले को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि श्रीलंका में क्रिकेट के शासन, विनियम और प्रशासन में कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो। आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की स्थिति को लेकर शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी बोर्ड श्रीलंका क्रिकेट के भीतर सभी क्षेत्रों, प्रशासन से लेकर वित्तीय और यहां तक कि राष्ट्रीय टीम से संबंधित मामलों में श्रीलंकाई सरकार के हस्तक्षेप से चिंतित था। आईसीसी बोर्ड ने माना कि सरकारी हस्तक्षेप आईसीसी संविधान और निर्धारित शर्तों के खिलाफ था। इससे पहले 2019 में इसी प्रकार सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को सस्पेंड किया था। अब श्रीलंका आईसीसी की तरफ से सस्पेंड किया जाने वाला दूसरा पूर्ण सदस्य बन गया है। हालांकि आईसीसी ने अभी यह नहीं बताया है कि निलंबन की शर्तें क्या होगी। बोर्ड की तरफ से कहा गया, निलंबन की शर्तें आईसीसी उचित समय पर तय करेगी। एनबीटी स्पोर्ट्स के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।